हेलो दोस्तों, 1816 में 7 साल का अखबार बेचने वाला एक छोटा सा लड़का जो आगे चलकर पूरे 7 लाख करोड़ की कंपनी खड़ा कर देता है। और अगर लोगों से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी ब्रांड कौन सी है तो बस एक ही नाम आएगा, स्टारबक्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स की, जिसके अभी के समय में टोटल वर्ल्ड वाइड 39,477 स्टोर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अखबार बेचने वाला एक छोटा सा लड़का कैसे स्टारबक्स जैसे बड़ा कंपनी खड़ा किया, और स्टारबक्स कब स्टार्ट हुआ और कहां स्टार्ट हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन लोगों का कहना है कि स्टारबक्स इंडिया में टाटा प्रोडक्ट के नाम से बेचा जाता है। खैर, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। पहले ये जानते हैं कि स्टारबक्स कब शुरू हुआ और कहां शुरू हुआ। स्टारबक्स सबसे पहले 1971 में सिएटल वाशिंगटन के पीक पैलेस मार्केट से शुरू हुआ था। इसे जेरी बाल्डविन, जेब सिएगल और गॉर्डन बॉक ने मिलकर शुरू किया था। ये तीनों यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के स्टूडेंट थे और उन्होंने अल्फ्रेड पीट से कॉफी रोस्ट करना सीखा था, जो पीट कॉफी एंड टी के फाउंडर थे। स्टार्टिंग में स्टारबक्स सिर्फ कॉफी, बीन्स, टी, स्पाइस बेचता था। पहले 7 साल में उन्होंने अपने लोकल कस्टमर के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाया और उनका बिजनेस ठीक ठाक चला। 1986 तक सिएटल में सिर्फ 6 स्टारबक्स स्टोर थे, बट 1982 में एंट्री होती है हॉवर्ड स्कल्टी की। अगर हॉवर्ड 1987 में स्टारबक्स के सीईओ नहीं बने होते तो शायद स्टारबक्स आज ब्रांड ना होता। स्टारबक्स को इतने बड़े ब्रांड बनाने वाले इसके पहले सीईओ हॉवर्ड स्कल्टज हैं। तो चलिए हॉवर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हॉवर्ड स्कल्टज का जन्म 19 जुलाई 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखते थे। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई भी नौकरी में अच्छी वेतन नहीं मिल पाती थी। हॉवर्ड के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और उस समय अमेरिका की सरकार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। खेलने कूदने के समय में केवल 7 साल की उम्र में ही हॉवर्ड ने अखबार बेचना और कॉफी शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता के एक रोड एक्सीडेंट में पैर टूट जाने के कारण ट्रक ड्राइवर की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उनके जीवन में और भी कठिनाइयां बढ़ने लगी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। हॉवर्ड अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन उस समय उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका एडमिशन स्कूल में हो सके। हॉवर्ड फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छे थे और वो खेलकर उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती थी, पर उनका गोल फुटबॉल खेलना नहीं था। रात दिन मेहनत करके उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की, यहाँ तक कि हॉवर्ड ने अपने पूरी फीस के लिए 2-2 बार अपने खून तक बेचे। वे अपने परिवार में यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉवर्ड ने कई सारे जॉब्स की और मेहनत करते करते आखिर वो अपने मेहनत के दम पर वाइस प्रेसिडेंट बने। सिर्फ 26 साल की एज में उन्हें एक बड़ा पोजीशन हासिल हो चुका था, पर उनकी किस्मत उनसे कुछ और ही करवाना चाहती थी। हॉवर्ड 1981 में एक कॉफी शॉप पर जाते हैं, वहाँ उन्हें अपने पन का फील होता है। और 1982 में हॉवर्ड ने स्टारबक्स को ज्वाइन किया एज डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग। फिर 1983 में हॉवर्ड इटली के एक ट्रिप पर गए, जहाँ उन्होंने कॉफी हाउस देखा और वहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें बहुत पसंद आया। ट्रिप के बाद हॉवर्ड ने वापस आकर स्टारबक्स को एक आइडिया दिया कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए। एक ऐसा कॉफी हाउस बनाना चाहिए जहाँ लोग आराम से बैठकर कॉफी पी सके, बट उनके ओनर्स ने साफ मना कर दिया। पर हॉवर्ड कहाँ हार मानने वालों में से थे, वो इस आइडिया को लेकर एक से एक इन्वेस्टर्स के पास गए, पर उनमें से 99% ने साफ मना कर दिया। हॉवर्ड ने स्टारबक्स को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और 1984 में अपनी खुद की इल गियोर्नेल कॉफी आउटलेट खोली। उनकी स्टोर काफी अच्छी खासी चल रही थी। फिर 1987 में हॉवर्ड को पता चला कि स्टारबक्स बिकने वाला है, तब उन्होंने इन्वेस्टर से फिर से बात की और उन इन्वेस्टर्स को कैसे भी करके मना लिया और स्टारबक्स को खरीद कर इल गियोर्नेल कॉफी आउटलेट को स्टारबक्स में जोड़ दिया और कंपनी को बड़ा करना शुरू किया। 1987 में स्टारबक्स ने सिएटल के बाहर अपना पहला स्थान वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में वाटर फ्रंट स्टेशन और शिकागो इलिनॉइस में खोला। 1989 तक प्रशांत उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम में 46 स्टारबक्स स्टोर थे और कंपनी सालाना 20 लाख पाउंड यानी 9 लाख केजी से अधिक कॉफी भून रही थी। जो 1992 में अपनी पब्लिक ऑफरिंग के टाइम स्टारबक्स के 140 स्टोर थे, जिसका रेवेन्यू 600 करोड़ था और 1992 में उनकी मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। और तब स्टारबक्स ने अपने कंपनी के 12% शेयर्स बेच दिए। उससे कंपनी के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपीस जमा की गई, जिससे कंपनी अगले 2 सालों में अपने स्टोर्स की संख्या दोगुनी करने वाली थी। सितंबर 1992 तक स्टारबक्स की शेयर की कीमत 70% बढ़ चुकी थी और साल 1992 के अंत में उनके पूरे 165 स्टोर हो चुके थे। 1992 में पहला 2-4-1 स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया और तब तक उनके स्टोर 165 से बढ़कर 272 हो चुकी थी। फिर
1998 में स्टारबक्स ने यूएस में ग्रोसरी चैनल में अपना ब्रांड एक्सटेंड किया एंड मैजिक जॉनसन के साथ ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप के थ्रू अंडर सर्व नेवर में स्टोर खोले और फिर अपना वेबसाइट starbucks.com लॉन्च किया। मलेशिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम में स्टोर खोले और तब तक टोटल स्टोर की संख्या 1886 हो चुकी थी और उनके पास लगभग 25,000 वर्कर्स काम करते थे और उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 3,00,000 हो चुकी थी। और उसके बाद 2000 में हॉवर्ड स्कल्ट ने स्टारबक्स के सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया और उनके बाद ऑरिन स्मिथ ने सीईओ का पद संभाला। उसके बाद सब पहले के जैसा ही चल रहा था। 2007 में उनके 15,000 स्टोर हो चुके थे। उसके बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान स्टारबक्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सभी लोग अपने शेयर्स बेचने लगे। तब हॉवर्ड स्कल्ट ने जनवरी 2008 में वापस सीईओ का पद संभाला। उनके आते ही लोग फिर से शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए और उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपनी को बाहर निकालने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स और नॉन परफॉर्मिंग स्टोर्स को बंद करना। उसके बाद स्टारबक्स ने अक्टूबर 19, 2012 को एंट्री होती है इंडिया में अपना पहला स्टोर मुंबई के हॉर्निमन सर्कल में खोला। यह स्टोर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ एक 50-50 ज्वाइंट वेंचर के रूप में खोला गया था और इसीलिए स्टारबक्स इंडिया में टाटा प्रोडक्ट के नाम से बिकती है। और फिर हॉवर्ड स्कल्ट ने मार्च 2023 में स्टारबक्स के इंटरिम सीईओ के पद से रिजाइन किया। ये उनका सीईओ के पद से तीसरा और आखिरी स्टिंट था। उनके बाद लक्ष्मण नरसिम्हा ने सीईओ का पद संभाला और प्रेजेंट टाइम में लक्ष्मण नरसिम्हा ही सीईओ के पद पर है। और प्रेजेंट टाइम अगस्त 2024 तक इंडिया में स्टारबक्स के 421 स्टोर हैं और इन स्टोर्स में लगभग 4,300 वर्कर्स पार्टनर्स के रूप में काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड में लगभग स्टारबक्स के 39,744 स्टोर्स हैं जिसमें लगभग 400,000 वर्कर्स काम करते हैं और स्टारबक्स की पूरी नेटवर्क लगभग 7,00,000 है। हॉवर्ड स्कल्ट की सक्सेस देखने के लिए उनके माता पिता तो नहीं रहे पर आज वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।